कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में आठवीं बार राज्यपाल शासन चल रहा है और अभी बीती 19 जून को जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन ब्रेक हुआ था उसके बाद एनएन वोहरा जो थे वो कार्य वहां पे शासन कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में उनको हटाकर सत्यपाल मलिक को राज्यपाल शासन की बागडोर सौंपी गई है। और सत्यपाल मलिक ने पद की शपथ ग्रहण करते ही ये कहा कि वो राजनेताओं से नहीं मिलेंगे, वो आम जनता के लिए काम करेंगे। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं। उसके बाद साल 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और वो ऐसे में पीडीपी यानी कि जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि महबूबा मुफ्ती के पिता हैं, जो क्या पिता थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे उनके साथ भी उनके सियासी संबंध रहे हैं। सत्यपाल मलिक को अभी जब हाल ही में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया उसके बाद से ये गहमा गहमी शुरू हुई कि आखिर एनएन वोहरा को क्यों हटाया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था साफ साफ तौर पे साल 2008 में एनएन वोहरा को राज्यपाल बनाया गया था। और ऐसे में जब गठबंधन ब्रेक हुआ उसके बाद ये कहा गया था कि अगर मजबूरी रही, अगर कोई सरकार नहीं बन पाई घाटी में स्थित तरीके से, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन की जो मियाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। और राज्यपाल शासन की एक तरह से ये टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, लेकिन एनएन वोहरा को हटाकर सत्यपाल मलिक को बनाया गया। एनएन वोहरा के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने मोदी सरकार और केंद्र सरकार से ये कहा था कि जो 35 धारा को लेकर आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, जो आपने अपील दायर की है, याचिका दायर की, उसको पहले पोस्टपोन करिए और घाटी जो हालात है उसको दुरुस्त करिए। इसी बात को लेकर शायद उनकी गहमा गहमी बढ़ी और बीजेपी के आला कमान से, और ऐसे में एनएन वोहरा की जगह अब सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल बने हैं, तो ऐसे में उनसे बहुत सी उम्मीदें जम्मू कश्मीर की आवाम को है, राजनेताओं को है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी और सबने उम्मीद जताई थी कि सत्यपाल मलिक घाटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, किसी भी सियासी दावपेश में नहीं फंसेंगे, जो बात बिल्कुल सही है वही काम करेंगे। क्योंकि अभी तक अगर जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन का दौर देखा जाए तो अधिकतर लोग जो वहाँ पर राज्यपाल बने हैं वो या तो वो IPS रहे हैं, या तो प्रशासनिक सेवा अधिकारी से जुड़े रहे हैं, या तो वो सेना के अधिकारी रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्यपाल मलिक जैसे शख्स जिनका सियासी बैकग्राउंड रहा है, जिनको अच्छा खासा सियासत का अनुभव है, उन्हें राज्यपाल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में सत्यपाल मलिक को जब राज्यपाल बनाया गया तो कहा जा रहा था कि बीजेपी की कुछ रणनीति है वहाँ पर घाटी को लेकर, जिसको कहीं ना कहीं उन मंसूबों को कामयाब करने में बिल्कुल सटीक साबित हो सकते हैं सत्यपाल मलिक। और इसी को लेकर अब रविंद्र रैना जो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और उसे साफ हो रहा है कि एनएन वोहरा को लेकर जो भी विवाद सामने आ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं जो है बातें स्पष्ट हो रही हैं और बिल्कुल सही साबित हो रही है कि एनएन वोहरा और बीजेपी आलाकमान की नहीं बन रही थी, इसलिए एनएन वोहरा को हटाया गया और सत्यपाल मलिक को उनकी जगह लाया गया। हालांकि एनएन वोहरा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन गठबंधन टूटने की वजह से उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अब ऐसे में रविंद्र रैना ने कहा है, रविंद्र रैना का एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, और रविंद्र रैना ने जो कुछ कहा है उससे साफ साफ मंसूबे जाहिर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि वो वहां पर कुछ मंसूबों के साथ सत्यपाल मलिक को लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर कई चीजों में देखने को मिलेंगे, कई तब्दीलियां हमें घाटी में देखने को मिल सकती हैं और जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं सभी राजनेताओं के लिए। पहले बात करते हैं रविंद्र रैना ने कहा क्या है। रविंद्र रैना ने कहा है, वीडियो में कहा है कि अब जो गवर्नर आया है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अब जो गवर्नर से उनका मतलब है सत्यपाल मलिक, वो हमारा बंदा है, ये कहा है रविंद्र रैना ने। और उन्होंने सत्यपाल मलिक की जो अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ पर, जो नियुक्ति हुई है, उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उनको अपना बंदा करार दिया है। और ये भी कहा है कि जो एनएन वोहरा है वो उनके अनुसार काम नहीं करते थे, इसीलिए सत्यपाल मलिक को उनकी जगह लाया गया है, ये इस तरह इशारा कर रहे हैं। हालांकि उनकी यही दो लाइन कोड की गई हैं रविंद्र रैना की वीडियो में, कि उन्होंने कहा है कि राज्य के जो नए राज्यपाल हैं वो हमारा बंदा है और इस हिसाब से वोहरा को हम लाना नहीं चाहते थे, ये भी कहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि वोहरा को हम लाना नहीं चाहते थे, वो अपनी ढपली बजाया करता था, अभी जो गवर्नर आया है वो हमारा बंदा है, ये कहा है रविंद्र रैना ने। और वीडियो में कहते हुए उनको सुना जा रहा है। और रविंद्र रैना से जब इस मामले पर सफाई पूछी गई है, सवाल पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पर यू टर्न लिया और क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे ही कुछ बोल रहे थे और उन्हें ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत तरीके से इन बातों को रखा है। उनका ये कहने का मतलब था कि हमारा कहने का मतलब जो था वो बिल्कुल अलग तरीके से था, लेकिन
वीडियो के वायरल होने के बाद राणा ने कहा कि मैंने ये बातें इस संदर्भ में कही हैं कि वो सभी लोगों के राज्यपाल हैं। ये अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दिया है रविंद्र रैना ने कि मैंने ये कहा था कि सत्यपाल मलिक सभी लोगों के राज्यपाल हैं। तो पहले रविंद्र रैना ये बताएं कि क्या एन एन वोरा सभी लोगों के राज्यपाल नहीं थे। जाहिर सी बात है बीजेपी अपने मनसूबों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाली गई है। 19 जनवरी अगले साल 19 जनवरी तक सुनवाई टल चुकी है। तो ऐसे में कहा जा रहा था जो अटॉर्नी जनरल हैं केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में कि 35 अभी सूबे में विधान माफी चाहूंगी पंचायती चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो सके इसलिए 35A की धारा की सुनवाई जो हो रही है उसको टाला जाए। सोचिए किस तरह से बीजेपी का वैसे ही पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से धारा 35A को वहां से हटाया जाए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रविंद्र रैना ने सत्यपाल मलिक को लेकर बयान दिया है क्या उसके तार भी धारा 35A से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो 370 का ही हिस्सा है धारा 35A। तो सवाल यही बनता है कि जिस तरह सत्यपाल मलिक को लेकर उनका बयान सामने आया है क्या वाकई आगामी दिनों में जब पंचायती चुनाव खत्म होंगे, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ जब पंचायती चुनाव खत्म होंगे तो क्या सत्यपाल मलिक धारा 35A को लेकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं? ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। अगले साल लोकसभा चुनाव है और बीती 19 जून को जो गठबंधन तोड़ा इन्होंने उससे कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी का खासा फोकस है और आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ ऐसी रणनीति बना रही है जिसका अभी पर्दाफाश नहीं हुआ है। लेकिन हाँ रविंद्र रैना के बयान ने इस पर्दाफाश की तरफ इशारा जरूर कर दिया है कि बीजेपी के कुछ मंसूबे हैं जो कि अभी बिहाइंड द कैमरा है, यानी कि पर्दे के पीछे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ है, लेकिन हाँ रविंद्र रैना के बयान ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि सत्यपाल मलिक उनके इशारों पर काम करेंगे, एन एन वोरा उनके इशारों पर काम नहीं कर रहे थे इसलिए उनको हटाया गया। फिलहाल देखते हैं अभी और क्या क्या वहां पर सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। नमस्कार।